हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। आज से हम आर्ट एंड कल्चर का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 4 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर का पहला एपिसोड हम पढ़ते हैं। पहला एपिसोड में हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। इसी समय आपको डेली ये वीडियो मिल जाएगी, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगी। हमें टेलीग्राम पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और 30,000 जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी उनका पार्ट हो सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए NCERT के सारी सब्जेक्ट के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हरप्पन आर्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं अभी हम। आर्ट के अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसमें एंशियंट इंडिया में हमारा अपन आर्ट पढ़ेंगे, पहले मौर्य आर्ट पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्य पढ़ेंगे, गुप्ता पढ़ेंगे, फिर साउथ इंडियन, फिर मिडिवल इंडिया आ जाएगा तो दिल्ली सुल्तानेत, मुगल आर्ट, फिर मॉडर्न इंडिया में थोड़ा बहुत इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आर्किटेक्चर ये वर्ड आया है टेक्टोन से, आर्किटेक्चर टेक्टोन मतलब बिल्डर, यानी कि कोई कुछ जो बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो आर्किटेक्चर का मतलब बिल्ड करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना। अब उसमें कोई भी मटेरियल हो सकता है, स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड। इंजीनियरिंग लगती है, डिज़ाइन लगती है। आर्किटेक्चर का एग्जांपल आप सभी के सामने मौजूद, आसपास रहता ही है। हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टाउन प्लानिंग, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, पिक्स दिखा के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं कैसी थी टाउन प्लानिंग। आप सबको पता है ग्रिड पैटर्न था, रेक्टेंगुलर। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट करती थी। बिल्डिंग्स 3 तरह की होती थी, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक बाथ। ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ, जैसे ग्रेट बाथ एक एग्जांपल। बर्न्ट मड ब्रिक्स यूज में लिए जाती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाउन प्लानिंग की वो ये थी कि सिटी के 2 पार्ट्स थे, अप्रेस्ड सिटाडेल और लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिटाडेल है और ये लोअर पार्ट ऑफ द सिटी है। सिटाडेल इतना ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए कि वेस्टर्न पार्ट में था और इसको उपयोग में इसलिए लाया जाता था, इस जगह पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी ग्रीनरीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, पिलर्ड होल, कोर्टयार्ड। यहाँ पे कहा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रूलर्स और एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो रहते थे, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो यहाँ रहते। तो नीचे जो था वो लोअर पार्ट आप अनुमान लगा सकते हैं, जो वर्किंग क्लास के लिए था। तो इतना याद रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल था, वेस्टर्न पार्ट में, और लोअर जो अपना ईस्टर्न पार्ट था उसमें लोअर सिटी थी। तो वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल, ईस्टर्न पार्ट में लोअर सिटी। मैंने बता चुका हूँ आपको किस तरीके से क्या क्या यूज़ में आता था। लोअर पार्ट जो है वो वर्किंग क्लास पीपल के लिए यूज़ में आता था, सीढ़ियाँ भी थी, डबल स्टोरीड थी, प्राइवेट वेल्स भी थे, मतलब जो अलग अलग घरों में खुद के प्राइवेट वेल्स थे, बाथरूम थे। चौंकाने वाली बात तो ये आती है कि उस टाइम कैसे इन लोगों ने इतना दिमाग लगा के डबल स्टोरीड हाउसेस के साथ प्राइवेट वेल्स, बाथरूम्स, इतनी सारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ कहाँ से हासिल कर ली। ये देखिए, इस तरह के हाउसेस होते थे, ये सिटाडेल मैंने आपको बता ही दिया। खास बात यह है कि टेंपल और पैलेसेस नहीं है, जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम की, कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे बहुत मंदिर और पैलेसेस काफ़ी अच्छे थे जहाँ पे राजा शासन करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हड़प्पा में देखा नहीं गया। पब्लिक बाथ्स, ये तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ का नाम आपने सबने सुन रखा होगा, जिसके कोई क्रैक नहीं था, कोई लीक नहीं था, गैलरीज थी, रूम्स थी चारों ओर, ताकि लोग कपड़े चेंज कर लें। रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग के तौर पर ये मानी जाती है, जो आज भी हमारे हिंदुइज्म में चलती हैं। ग्रेनरीज जो होती थी, ग्रेनरीज एक तो बहुत ऊंचे लेवल पे होती थी जहाँ पे स्टोर करके रखते थे वो
जो भी उनका कल्टीवेशन होता था, इससे फ्लड से भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता था, हवा भी जो है आराम से उसका हो जाता था, हवा स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट के तौर पर काम करती थी, और साथ ही साथ पेस्ट से भी थोड़ा, जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी थोड़ा सा नुकसान होने से बचाया जा सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि उस टाइम पे क्लीनिंग और मेंटेनेंस पे इतना ध्यान दिया गया कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, ड्रेनिंग सिस्टम है, ड्रेनेज, ठीक है। थोड़ी सी ये मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में दिक्कत हो गई है, ट्रेनिंग नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, और इस तरीके से था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, इस तरह की नालियाँ ढकी हुई भी थी लूजली, ताकि रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेन, ऐसा नहीं नालियाँ बना के छोड़ दिए, मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करते थे। इसका मतलब वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी भी थी, क्योंकि हर कोई काम ये करेगा नहीं, मेंटेनेंस करने के लिए भी इनको अलग से जो है म्युनिसिपैलिटी रखनी होती थी। आप देख सकते हैं किस तरह की जो है नालियाँ वहाँ पे थी। ये आपका पब्लिक जो ग्रेट बाथ है, ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग रूम्स, इसके अराउंड काफ़ी बड़ा है। ये एक स्केच है वहाँ की सिविलाइजेशन का, किस तरीके से लोग रहते होंगे। ड्रेनेज, ये आप देखिए नाली किस तरीके से, और हर घर से कनेक्ट करती हुई जाती थी, देख सकते हैं आप। बंड ब्रिक्स से बनाए हुए घर, कभी कभी डबल स्टोरीड भी थे। ये भी एक तरह का स्केच है कि डबल स्टोरीड जो है कैसे थे घर। ये बाथरूम प्राइवेट, ये देखिए प्राइवेट वेल तक थे, प्राइवेट वेल आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है उन लोगों ने किया, ये भी एक तरह का स्केच है। स्कल्पचर्स की हम सीधे सीधे बात करेंगे आके। अच्छा, इतना याद रखिएगा कि जो सिटाडेल था, मैंने बता चुका हूँ कि वो रूलर्स के लिए था, और जो लोअर पार्ट था सिटी का वर्किंग क्लास पीपल के लिए था, और डबल स्टोरीड था, ठीक है। चलिए अब सीधे आते हैं हम सील्स पे। मोस्टली सील्स स्क्वायर थी, और कुछ कुछ ट्रायंगुलर भी थी, रेक्टेंगुलर भी थी, सर्कुलर सील्स भी मिले, मोस्टली स्क्वायर थी, और मोस्टली स्टेटाइट से बनी थी। स्क्वायर थी और स्टेटाइट से बनी थी मोस्टली। स्टेटाइट जो था वो एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो रिवर बेड में मिल जाता है आसानी से, तो मुझे लगता है इस वजह से ही मोस्टली सील्स जो हैं स्टेटाइट से बनाई गई थी। ऐसा नहीं है स्टेटाइट ही था, एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस, इन सब का जो है इस्तेमाल हुआ। टेराकोटा सील्स भी थी वहाँ पे, कॉपर गोल्ड आइवरी सील्स भी मिली। तो क्वेश्चन आ जाए कि गोल्ड का कोई एविडेंस नहीं था, गोल्ड सील्स का, कॉपर का, आइवरी का, तो आप कह सकते हैं नहीं एविडेंस था, हालांकि इतना ही था, इतनी सील्स उपयोग में नहीं आती थी। स्टेटाइट की सील्स काफ़ी बनी हुई थी। कुछ सील्स पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जो कि अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, जैसे कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये एक तरीके से सिंबल के तौर पे वो अपने जो है अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते थे, इससे भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, लेकिन बाय डायरेक्शनल राइटिंग भी देखी गई, यानी राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। एनिमल इम्प्रेशंस भी मिले थे, लेकिन काऊ का एविडेंस नहीं मिला। सील जो थी वो तीन तरीकों से यूज़ मिली जा सकती थी, एक तो कमर्शियल पर्पज़, एम्यूलेट्स, और एजुकेशनल पर्पज़। कमर्शियल पर्पज़ के तौर पे ऐसे कि मेसोपोटामिया में भी हमारी सील्स मिली है, वहाँ पे हरप्पा की सील्स, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सील्स पहुँची तो ट्रेड के जरिए ही पहुँची होगी, तो एक्सटेंसिवली ट्रेड के लिए तो प्राइमरली यूज़ की जाती थी। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होती थी, तो आप कह सकते हैं ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। फिर एम्यूलेट्स के तौर पर भी यूज़ होती थी, मतलब देखा गया था कि शोल्डर पे, बाजू में जो है एम्यूलेट्स के तौर पर सील्स को पहना जाता था, ठीक है। और कई बार देखा गया मैथमेटिकल इमेजेस भी इन पे बनी हुई थी सील्स पे, इसका मतलब एजुकेशन के लिए भी यूज़ में ये आई थी। स्वास्तिका डिज़ाइन जो आपने कभी देखी होगी अगर, तो उन सिंबल्स के ही सील्स भी मिली थी, ये आप देख सकते हैं। पिक्टोग्राफिक जो है ये स्क्रिप्ट है इनकी। अच्छा, पशुपति सील के बारे में आपने सुना ही होगा, ये यूनिकॉर्न सील है, पशुपति सील मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। ये एक ह्यूमन फिगर है, इतना याद रखिए कि लेफ्ट में एलिफेंट और टाइगर है, राइट में राइनो है, और नीचे बफेलो है, और
पैरों के पास टू एंटलोप्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए। ये यूनिकॉर्न सील है, काऊ का कोई एविडेंस नहीं था, इतना याद रखिएगा। और बाकी और भी एनिमल्स थे, बफेलो, एलिफेंट, बिसॉन, गॉट, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, टाइगर तो मैंने आपको बताई दिया, यूनिकॉर्न तो मैंने आपको सील दिखाई दी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक ले गुड बाय।